ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय और छठा श्लोक। तो हम चर्चा कर रहे थे इससे पिछले श्लोक में कि यहाँ पर उतार थे कि ब्रह्मा जी ने बोला कि जब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे शिकायत लेके, देवता लोग, कि देखिए जी शिव जी के लोग आए थे, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी उनको समझाने लगे कि जब हम दूसरे के, कहते हैं ना, एक उंगली सामने उठाते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ है। कभी हमने अपने अंदर भी देख लेना चाहिए जीवन में कि हमने क्या किया। हम हमेशा कहते हैं इस आदमी ने ये किया, इस आदमी ने ये किया, इस आदमी ने ये किया, लेकिन कुछ तो हमने किया ही होगा। अब वो कभी हमें दिखता ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी थोड़ा आईना दिखा रहे हैं यहाँ पर कि तुम लोग दूध के धुले नहीं हो, तुमने ये किया, तुमने उनको यज्ञ से, यज्ञ का भाग नहीं दिया ना, तुमने उनका अपमान किया, तो अब क्या करें। तो उन्होंने बोला पिछले श्लोक में कि बिना हिचक के उनके पास जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, उनके चरणों पर गिर जाओ, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। आशासाना जीवितम अध्वरस्य लोकः सपाला कुपितेन अस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुत्ते। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिवजी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो जाते हैं क्रोध से ही। इतने शक्तिमान हैं वो, उनकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि अगर वो चाहेंगे कि ये नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है वो। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि सती चली गई हैं, और बहुत ही सती, कहते हैं ना सती, सती सावित्री, शी वॉज वेरी एग्जॉल्टेड डेडिकेटेड डिवोटी। हाँ, तो वो चली गई हैं तो बड़े दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। तो वास्तव में दुख तो था कहीं ना कहीं कि ये सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने सुना पिछले श्लोक में, लेकिन फिर भी ही वॉज ओके। हाँ, कुछ कह नहीं रहे थे दक्ष को। प्रॉब्लम सारी तब हुई जब सती का अंत हो गया। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यही होगा कि वो तुरंत उनके पास जाकर क्षमा मांग लें, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। लेकिन एक क्षमा एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम्। एक वीर व्यक्ति का क्षमा करना उसका आभूषण है, वो क्षमा कर दे उतना, इतना उदार हृदय होता है उसका। वीर वास्तव में वही है जो क्षमा कर पाए। वीर वो नहीं है जिसके बाइसेप्स मोटे मोटे हैं, वीर वो है जो क्षमा करना जानता है, क्योंकि इसके लिए बड़ा बल चाहिए। क्षमा करना बड़ा मुश्किल है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे हृदय से निकलती नहीं है ना, इसने मेरे साथ ये कर दिया था, मैं इसको क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे हृदय में पुरानी बातें रही जाती हैं। क्षमा करना वास्तव में मुश्किल है, टॉलरेट करना फिर भी आसान है, लेकिन क्षमा करना मुश्किल है। तो वास्तव में एक वैष्णव का ये फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द 26 क्वालिटीज़ ऑफ अ डिवोटी। 26 गुण होते हैं डिवोटी के अंदर, उसके अंदर एक फॉरगिवनेस एक बहुत विशेष गुण है। और फॉरगिवनेस का रियल मीनिंग ये है कि जब हम सामने वाले के लिए प्रेयर कर पा रहे हैं, अगर ओ कृष्णा इसका अच्छा करना, तब समझ लीजिए हमने वास्तव में। अब प्रभु जी ये तो टू मच हो गया, फॉरगिव कर दिया, फॉरगिव वो, लेकिन ये प्रे करना उसके लिए, तो हमने वास्तव में फॉरगिव नहीं किया है, हम उसको भूल गए। भूलना भी फॉरगिव करना नहीं है, फॉरगिव करना तो वास्तव में तभी है जब कहें इसका अच्छा हो, नो प्रॉब्लम, तो हमने उसको वास्तव में फॉरगिव कर दिया। तो दिस इज हाँ द नेचर ऑफ शिव जी, जो कि इसलिए उनका आशुतोष कहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हाँ लिव इट। नाहम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मुनियश्च तत्त्वम् विधु प्रमाणम बलवीर्ययोर्वा यस्यात्म मंत्रस्य का उपायम विधित्ये विदित्सेत। ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, ना इंद्र, ना यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य, हाँ कोई भी नहीं यहाँ पर, अथवा सभी मुनिगण, कोई नहीं जान सकता कि शिव जी कितने शक्तिमान हैं। कारण क्या है कि शक्तिमान पुरुष अगेन अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है। आजकल तो संसार में वो कोई थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, कुछ प्रोटीन प्रोटीन कुछ इंजेक्शन लगा के, वो फिर ऐसे ही फोटो खिंचाते रहते हैं, वो शक्तिमान, उस शक्ति का प्रदर्शन ही करते रहते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविक शक्तिमान व्यक्ति, जैसे अभी बताया मैं, उसका वास्तविक गुण यही है
कि उस शक्ति का प्रदर्शन करता है, नहीं वो शांत बना रहता है, कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या कर सकता है व्यक्ति। जैसे कि वही अर्जुन थे जो खड़े थे, कह रहे थे गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, पसीने आ रहे हैं, हाय क्या आदमी है। लोग कहते हैं धनुर्धर अर्जुन, और उसके बाद उसने क्या किया थोड़ी देर में आप सब जानते हैं। तो कह रहे कौन बता सकता है कि शिव जी कितने कि शिव जी की शक्ति को कौन बता सकता है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा, क्या किया तुमने ये। हाँ अरे शक्ति, कुछ लॉजिक तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ। चलो नहीं समझा तुमने कि वो परम वैष्णव है, कम से कम ये तो सोचते कि वो क्या है, वो विनाश उनके हाथ में दे रखा है भगवान ने। हाँ ये प्रलय उन्हीं के हाथ में है, एनाइलेशन, ही डज द एनाइलेशन। सच भूल गए क्या, नाचते हैं तो संसार खत्म हो जाता है, बताइए। हम नाचते हैं तो नोट खत्म होते हैं, या कई बार घर में हम कमरे को बंद करके नाच रहे होते हैं, मम्मी बोलती है नाचते रहेगी क्या, खाना कौन बनाएगा या कब पड़ेगा। हम नाचते हैं तो कुछ नहीं होता है, डांट और पड़ जाती है। नीचे ऊपर फ्लोर पे नाच रहे हैं तो नीचे वाला आ जाता है बाहर, अबे बंद कर इसको, कर दूंगा नहीं तो बराबर। हाँ जहाँ नाचते हैं वहीं मुसीबत है, और जब भगवान शिव जी नाचते हैं तो पूरा संसार का नाच हो जाता है उस दिन। कहते इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था तुम लोगों को। साइथम आदिश्य सुरानजस्तु तेई समन्विता पृथ्वी स प्रजेश ययो स्वधिष्णयात नीलयम पुरुद्विषः कैलासम आद्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबको अपने साथ ले लिया और शिव जी के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। अब ब्रह्मा जी को साथ में जाना पड़ा क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर थी, ऐसी जगह पर उन बच्चों को भी तो जाएंगे, और पता लगा शिव जी ने भस्म ही कर दिया। हाँ या ये चरणों में जाने में डरने लगे, समझ नहीं आया कैसे छुएं, पैर छुएं। तो ऐसे में डर लगता है कई बार। हम याद करते हैं उस घटना को जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्याकश्यप को मारा था। हाँ तो नरसिंह भगवान के उस रूप को देखकर वहाँ पर तो शिव जी भी डर गए थे, ब्रह्मा शिव जी दोनों वहाँ खड़े हैं, खैर कैसे शांत करें इनको। तो उन्होंने भी कहा प्रहलाद इधर आ, तू बड़ा भक्त है भगवान का, तू जाए माला भगवान को पहना दे, तू जाएगा तो सब शांत हो जाएगा। तो प्रहलाद गए जैसे ही भगवान के सामने, नरसिंह भगवान ने गोद में उठा लिया और उनको चाटने लगे। अभी थोड़ी देर पहले हिरण्यकश्यपु का वध नहीं किया है, हिरण्यकश्यपु के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सब आ गए थे वहाँ पर मारने के लिए, वो भयंकर केवल नाखूनों से काट डाला सबको, कुछ किया नहीं खास, अभी वहाँ चाट रहे हैं। तो दैट इज़ अ लव, क्योंकि भगवान के क्रोध के अंडर थोड़ी आते हैं कभी, क्रोध भगवान के अंडर में है। हाँ तो जब दिखाना होता है तो निकाल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो अपने भक्त से बड़े प्रसन्न थे और प्रेम करने लगे। तो इसलिए एक भक्त का ऐसे समय पर जाना बड़ा ज़रूरी है। ब्रह्मा जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, हाँ शिव जी, और शिव जी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ तो शिव जी के को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी बाकी देवताओं के साथ निकल पड़े कैलाश की ओर। अब कैलाश में क्या तांडव होगा इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एनी क्वेश्चन?